हिमाचल प्रदेश में भले ही बारिश थम गई हो, मगर बीते कुछ दिनों में भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है, उसका असर अभी भी नेशनल हाईवे और ग्रामीण इलाकों की सड़क पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आखिरकार 41 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर एक तरफा ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीनें लगाकर लोक निर्माण विभाग ने आखिरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया। अभी भी मौके पर जेसीबी मशीनें तैनात हैं और जो भी मलबा पहाड़ से आ रहा है उसे साथ साथ में साफ किया जा रहा है। कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में जाने वाले पर्यटकों और मणिकर्ण जाने वाले श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से 35 जगह से बंद हुआ था। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी काफी राहत महसूस की है। पिछले 2 दिनों से लोग अपने घरों में दुबके रहे और आज मौसम साफ होने के बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं।